नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे टी लेटर से डॉग का चित्र बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कैपिटल टी लेटर की मदद से डॉग का चित्र कैसे बनेगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, तो आपको बहुत ही आसानी से डॉग का चित्र बनाना आ जाएगा। इस तरह आपको एक टी लेटर लिखना होगा। टी लेटर लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ से ऐसे उठाइएगा ऊपर की तरफ ऐसे, और इसको घुमाते हुए यहाँ पर मिला दीजिए। इस तरह आपने मिला लिया होगा। मिलाने के बाद दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप और नीचे की तरफ ले जाइएगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए नीचे की तरफ, और इसको हल्का सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, और ऐसे छोटी छोटी लाइनें आप ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो जाएगा जब दोस्तों, तो आपको इधर से ऐसे नीचे करना होगा, यहाँ पर इसका ईयर बनाइए, इधर भी आप ऐसे आसानी से ईयर बना देंगे। देखिए कितना आसान है। और गाइस, आपसे छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपको इधर बनाना है इसका पीछे वाला हिस्सा है, तो आपको एक बड़ा सा 6 नंबर लिखना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर से ऐसे करिएगा, हल्का सा यहाँ पर ले जाएंगे, फिर इधर आगे बढ़ाते हुए आपको ऐसे घुमा देना है। तो ये हो गया हमारा एक 6 नंबर। 6 नंबर लिखने के बाद यहाँ से इसका एक लेग बना दीजिए, ये लेग बन जाएगा दोस्तों। अब हमें इसका टेल भी बना देना है, तो ऊपर की तरफ ऐसे उठाइएगा और इधर से हल्का सा ऐसे करेंगे, फिर अंदर की तरफ यूँ करते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर मिलाइए। आपने मिला दिया होगा दोस्तों। मिलाने के बाद अब हमें इधर भी इसका लेग बनाना है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर यूँ कर देंगे। ये हो गया लेग, एक इधर ऐसे कर देंगे, ये बन गया लेग दोस्तों। लेग बनाने के बाद आपको एक लाइन और ड्रॉ कर देना है नीचे के साइड में ऐसे, फिर इधर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें इस डॉग का आई बना देना है, इधर ऐसे आई बनाइएगा, तो इधर आपको इसका मुंह बना देना है, तो इधर से ओवल शेप बनाते हुए इधर ऐसे उठाइएगा, फिर यहाँ पर यू एक लाइन, और छोटे छोटे ऐसे डॉट्स लगा देंगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा डॉग का चित्र बनके तैयार हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।